हाँ ए बच्चों, हम लोगों ने कल देखा था, कल की क्लास में पढ़ा था, ग्रह क्या है, आकाशीय पिंड क्या है। प्यारे बच्चों, सब समझा चुके हैं, हमारे बीच ज्ञानी जानकार उनेसा जी बैठी हुई हैं। तो उनेसा जी, आपने देखा था कि हम बताए थे कि ऐसे जो है, ऐसा स्थान जो पृथ्वी तल के ऊपर हो, जहाँ तक हमें दिखाई भी देता और जिसके ऊपर हमें दिखाई ना भी देता हो, वो सभी भाग आसमान या आकाश या अंतरिक्ष या नभ या गगन या जा कहलाता है। इज दैट क्लियर? और अस्मिदान, जैसा कि बताए थे कि हमारे अंतरिक्ष या आसमान में उपस्थित सभी प्रकार के पिंड आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड छोटे बड़े आकार के हो सकते हैं। कोई पिंड चट्टान से मिलकर बना होगा, तो कोई पिंड धूल से मिलकर बना होगा, कोई पिंड गैसों से मिलकर बना होगा, हम आगे देखेंगे। ऐसे सभी पिंड जो स्वयं के प्रकाश रखते हैं, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिनके पास खुद की उष्मा और खुद का प्रकाश होता है, वह सभी पिंड तारा कहलाते हैं, स्टार। और आपको यह भी बताए थे कि तारे बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा आकार में, बहुत ज़्यादा उष्मा और प्रकाश वाले हैं, लेकिन पृथ्वी तल से इनकी दूरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है ये हमें पृथ्वी तल पर छोटे आकार के और सूक्ष्म प्रकाश वाले टिमटिमाते हुए दिखते हैं, क्योंकि बहुत दूर है। कोई चीज़ बहुत दूर होती है तो वो छोटी और उसका प्रकाश और उष्मा कम प्राप्त होता है या कम मिलता है। जो तारा अन्य सभी तारों के अपेक्षा पृथ्वी के बहुत करीब या निकट होता है, उस तारे को हम सूर्य कहते हैं। और हमारा सूर्य जो कि एक प्रकार का तारा है, पृथ्वी के अति निकट है, तो इसका आकार पृथ्वी से बहुत बड़ा दिखता है, क्योंकि इसकी पृथ्वी से दूरी कम हो गई है और इसका प्रकाश और उष्मा भी बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है, बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। और हम लोग जो है ये पढ़े थे कि सूर्य के बाद जो पृथ्वी का निकट का तारा है, प्रॉक्सिमो सेंचुरी है। आपको बताए थे कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में बहुत प्रकार के पिंड हैं। एक पिंड जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पिंड माना गया है, बिटिलगुज बताए थे कि जो सूर्य के 2.5 करोड़ गुना आकार में है और सूर्य के 2.5 करोड़ गुना उष्मा और प्रकाश में है, शुद्ध रूप से वो आग का गोला है। आपको समझाए थे बेटा कि कुछ ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य से कुछ दूरी बनाकर सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, और जितनी दूरी से वे परिक्रमा करते हैं उन्हें उन पिंडों की कक्षा कहा जाता है और उन पिंडों को ग्रह कहते हैं। तो सूर्य से एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं, और ग्रह अपनी अपनी अलग अलग कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फोटो बना के अनुराग बेटा कल बताए थे, अंकित प्रजापति जब गुस्साए थे कि सूर्य से अलग अलग दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो है, बहुत पहले तो कुल 9 पिंड थे, 9 ग्रह होते थे, हिंदू धर्म में 9 ग्रह हैं आज भी। और सेरेना जेनेटिक, 2 नए ग्रहों की खोज होने पर हमारे इस जो है सूर्य परिवार में 11 ग्रह हो गए थे, लेकिन बाद में जो है साइंटिस्टों ने लास्ट के 3 ग्रह को अलग जो है सौर मंडल का ग्रह मान लिया। ये समझा कि प्लूटो ग्रह के ये शेष दोनों उपग्रह हैं, ये अलग सौर परिवार की हिसाब किताब है, उनके गुण अलग थे, अलग थे। तो अब हमारे सौर मंडल में कुल कितने प्रकार के ग्रह हैं बेटा? 8। नाम उनैसा उनका जानती हैं कि 8 ग्रह पृथ्वी से सीरियल आर्डर में। हमने थोड़ा सा यहाँ ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें बताना चाहा था कि बच्चों को जो है कंपटीशन की चीज़ें बता दें, अंदर से मेरे खौल रहा था इसलिए बता दिए। तो जैसे बताए थे सूर्य से सबसे निकट बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, ऐसे कुल 8 ग्रह क्रम से होते हैं। सभी ग्रहों की देवेश खासियत बताए थे बेटा। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, मरकरी सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है, और इस ग्रह
का तापमान अन्य सभी ग्रहों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, माने बहुत गर्म ग्रह है। यह ज्वालामुखी वाला ग्रह है, इसके तल पर ज्वालामुखी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इस ग्रह के तल पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, इस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, और जो है इस ग्रह पे दिन और रात के तापमानों में बड़ी भिन्नता पाई जाती है। दिन जैसे जो है जितना गर्म होते हैं 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं, तो रात उतना ठंडे -470 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती हैं। और आपको बताए थे बच्चों कि बुध ग्रह के बाद सौर्य परिवार का दूसरा ग्रह चाचा शुक्र है। शुक्र चाचा के बारे में समझाए थे ना बेटा, शुक्र ग्रह आयुष यादव बेटा ऐसा ग्रह होता है जो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। शुक्र ग्रह को कई सारे नामों से विकास सरोज को बता दिए थे, यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। यह सर्वाधिक सुंदर ग्रह माना जाता है शनि ग्रह के बाद। इस ग्रह पर घाटियां हैं माने छोटी पहाड़ियां, इसलिए इसे बेल्ट प्लैनेट मतलब घाटियों वाला ग्रह कहते हैं। इस ग्रह के तल पर कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल है। इस ग्रह के तल पर सल्फ्यूरिक ऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं। यहाँ पर तेजाब की बारिश होती है समय समय पर, इसे जहरीला ग्रह भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह का आकार और आयतन पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। इसे कवियों की भाषा में भोर का तारा कहा जाता है, या संध्या का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। तो देयर आर सो मेनी विशेषता ऑफ शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की बहुत सारी विशेषताएं बताए थे। अब बेटा जो है तुम्हारा नाम तो सौरभ था, किसी जमाने में आपने जाना था कि हमारे सौर मंडल का तीसरा और सबसे विचित्र ग्रह वो है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में बताए थे कि पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जल और जीवन दोनों प्राप्त होते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहते हैं। पृथ्वी ही पहला ग्रह है जिसके उपग्रह पाए गए, और इसके एक प्राकृतिक उपग्रह है और हजारों लाखों कृत्रिम उपग्रह अलग अलग देश के वैज्ञानिकों ने बना बना के छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो पृथ्वी के बहुत सारे उपग्रह कृत्रिम में है और एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा चाचा है। उसके बाद चौथा ग्रह हमारे सौर परिवार का, याद करिए कौन सा ग्रह बताए थे, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में याद करिए जो है मानस डान बताए थे कि मंगल ग्रह पर लोहे के ऑक्साइड की भरमार है, लोहे के अयस्क बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। और आपको बताए थे कि इसके दो उपग्रह भी हैं, इसके तल पर जल की प्राप्ति भी हुई है, और फेबोस डेबोस इसके दो उपग्रह हैं। फिर उसके बाद जो है आपको याद करिए बताए थे सौर परिवार का पांचवा ग्रह बृहस्पति चाचा है। बृहस्पति हिंदू धर्म देवता के गुरु देवता हैं, और बृहस्पति को जुपिटर कहा जाता है, और जुपिटर जो है रोम के शासकों के गुरु हैं, तो इसको गुरु ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति ग्रह अन्य है, बृहस्पति ग्रह अन्य सभी ग्रहों से बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति ग्रह सौर मंडल में जो है दूसरा सबसे सुंदर ग्रह है। बृहस्पति ग्रह इकलौता ऐसा ग्रह है जिसे गुरु ग्रह कहते हैं, जिसे गैलीलियो का भी ग्रह कहा जाता है। चाचा गैलीलियो ने इसके बारे में जानकारी सर्वप्रथम दी थी। कई बातें हो गई ना, सर्वाधिक बड़ा ग्रह गुरु ग्रह, हिंदू धर्म के देवता बृहस्पति उनके नाम पर है, या रोम शासकों के देवता जुपिटर उनके नाम पर है। जुपिटर ग्रह अंग्रेजी में कहा जाता है, सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सर्वाधिक सुंदर ग्रह है, और हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है। चक्रण के दौरान पृथ्वी से हमेशा यही ग्रह दिखता है, चाहे जिस टाइम इसको देखो, ठीक है। और इस ग्रह के तल पर बीचों बीच में एक बड़ा गड्ढा है जहाँ आग जलती रहती है। कहाँ से जलती है, किस लिए जलती है, नहीं पता, इसे आग का गोला भी कह सकते हो। और ये ग्रह पर जो है सर्वप्रथम मीथेन का जो है वायुमंडल मिला इस ग्रह के तल पर। फिर उसके बाद शनि ग्रह, छठवां ग्रह है शनि ग्रह। शनि ग्रह सभी ग्रहों में सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। शनि ग्रह में बेटा कई सारी गैसों का वलय, मतलब ग्रह होता है ग्रह के चारों ओर कई गैसों का वलय या छल्ला जो है बना रहता है। आप फिगर में कभी कभार देखे थे शनि ग्रह की,
तो शनि ग्रह के चारों ओर गैसों का वलय है, बहुत सारी गैसें चक्कर करती रहती हैं शनि ग्रह के, और यह ऐसा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह है। और बृहस्पति ग्रह का उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है। उसके बाद जो है दो ग्रह और हैं, आप जान रहे हो, अरुण वरुण या यूरेनस नेपच्यून, वे दोनों एक दूसरे के जुड़वा ग्रह कहलाते हैं और एक दूसरे के जो है एक दूसरे के तल पे मीथेन गैस है, हरा ग्रह कहलाते हैं। कौन सा ग्रह? दोनों ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं और दोनों एक दूसरे के जुड़वा ग्रह हैं। सर्वाधिक सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह सूर्य से वरुण है या नेपच्यून, और यह सर्वाधिक ठंडा ग्रह भी माना जाता है। ठीक है, तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह क्या है? नेपच्यून। क्यों? क्योंकि सूर्य से बहुत दूर है, तो और इसके तल पर दिन और रात बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है, 66 साल के दिन 66 साल के रात, मतलब बहुत बड़ी दिन और बड़ी रात होती है, दूर है ना, सूर्य की परिक्रमा बहुत ज़्यादा समय लगा पाता है। तो जैसा कि आप जान गए कि इन बातों में जो है था, अच्छा, ग्रह और सूर्य और उपग्रह, इन तीनों से मिलकर बना परिवार सौर परिवार कहलाता है या सौर मंडल कहलाता है। मतलब सूर्य, ग्रह, उपग्रह, इन तीनों का खानदान सौर मंडल या सौर परिवार कहलाता है। अब चूंकि हमारे ग्रह के नजदीक जो तारा है हम उसे सूर्य कहते हैं, और हमारे सूर्य का ही अपना एक परिवार है। ऐसे किसी और तारे के नजदीक कोई और तारा किसी दूसरे ग्रह के नजदीक होगा तो उसका सौर परिवार होगा। तो हमारे पूरे जो है सौर मंडल, हमारे पूरे अंतरिक्ष में कई करोड़ सौर मंडल है, ये हमारा अपना सौर मंडल है। तो जगह जगह जो है तो अंतरिक्ष में तारों का अपना एक अलग अलग परिवार, अलग अलग जो है सौर मंडल है। ऐसा साइंटिस्टों की कल्पना है कि अंतरिक्ष में बहुत सारे सौर मंडल होंगे, हमारे सौर मंडल में हमारा सूर्य है, हमारे 8 ग्रह हैं और इन ग्रहों के उपग्रह हैं। ऐसे ही अलग जो है सौर मंडल में अलग संख्या में ग्रह होंगे, उनके उपग्रह होंगे। हो सकता है किसी ग्रह के तल पर जीवन हो, किसी ग्रह के तल पर ना हो, अब हम लोगों को अनुमान नहीं है, पता नहीं है। और बच्चों, ये सारे सौर मंडलों का जो क्षेत्र है, मतलब सभी सौर मंडल, सबके जो सौर मंडल बन सकते हैं, मतलब कि पूरा तारा के घर, पूरे समस्त सौर मंडलों से मिलकर बना परिवार आकाश गंगा या गैलेक्सी कहलाती है। आपको पता है कि पूरे अंतरिक्ष का वह इलाका जहां सभी सौर मंडल विद्यमान हो, जहां समस्त प्रकार के सौर मंडल हो, उसे क्या कहते हैं? आकाश गंगा, अंग्रेजी में मिल्की वे या गैलेक्सी। गैलेक्सी जैसे स्टार, वैसे गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? समस्त प्रकार के सौर मंडलों से मिलकर बना क्षेत्र। तो हमारी जो आकाश गंगा है, समझो जरा, हमारा सौर मंडल और सभी सौर मंडल मिला करके क्या बन गया? गैलेक्सी या आकाश गंगा। हमारी गैलेक्सी का नाम आकाश गंगा है। ठीक, और साइंटिस्ट कल्पना है कि भाई अंतरिक्ष बहुत दूर तक है, ये जो हमारी आकाश गंगा है सभी सौर मंडल मिला करके, इसके अलावा भी कई सारी आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में हो सकती हैं, पहुंच ही नहीं सकते, कल्पना नहीं है। तो हमारी जो आकाश गंगा है, जिसमें हमारे सभी तारे जो हमको दिखते हैं और हमारे सूर्य परिवार, सूर्य का अन्य तारों का परिवार, ये जो इतना इलाका है, इसके अलावा भी ऐसे ही इलाके होंगे अंतरिक्ष में, हम जहां तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो हम अपनी आकाश गंगा को क्रिएट कर लिए, जो हमको तारे दिखते हैं, जो हमारा सौर मंडल है, जो और सौर मंडल है, उन सब का घिरा क्षेत्र आकाश गंगा है, और जिसका जो है जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं, जिसका हिंदी नाम आकाश गंगा। क्या नाम है? आकाश गंगा, अंग्रेजी में मिल्की वे। अंग्रेजी नाम क्या है? मिल्की वे। और हिंदुस्तानी नाम क्या है? आकाश गंगा। और एक चीज जान लो, अंतरिक्ष में माने पूरा आसमान, जिस जगह हमारी आकाश गंगा है, आकाश गंगा जिस जगह है, जैसे जो ना अस्मित जो जगह है ओके नाम किशुनगंज है, तो ऐसे हमारी आकाश गंगा अंतरिक्ष में, ये सब कोई बताया कि नहीं? कभी बताता भी नहीं है, ध्यान से सुनो। हमने बताया कि हमारा सौर परिवार है, लेकिन हमको अंतरिक्ष में अनंत तारे दिखते हैं कि नहीं? तो सभी तारों के सौर परिवार होंगे कि नहीं? तो जितना तारा हमको दिखता है, नजर आता है, उन सभी से मिला करके जो सौर परिवार का जो है परिवार बनता है, वह आकाश गंगा, गैलेक्सी, मिल्की वे, कुछ भी कहो है। लेकिन इसके बाद जहां पे नहीं दिखाई देता, ऐसे और भी आकाश गंगाएं होंगी कि नहीं?
तो हमारी आकाश गंगा अंतरिक्ष में जिस स्थान पर है, माने हमारी गैलेक्सी अंतरिक्ष में जिस स्थान पर है, उस स्थान का नाम ऐरावत पथ है। क्या है बेटा? ऐरावत पथ। अब देखो जरा, ये सब चीजें नासा वाले वैज्ञानिकों ने रखी है, और मतलब कि एड्रेस पता कि अंतरिक्ष में जहां तक हमारी आकाश गंगा है उतने जगह का, उस रास्ते का नाम ऐरावत पथ। ऐरावत आप जानते हो इंद्र के हाथी का नाम है, तो ऐरावत पथ उसी के नाम पर पड़ा है। ऐरावत पथ में हमारी गैलेक्सी है और हमारी गैलेक्सी का नाम आकाश गंगा है, जिसमें हम लोग हैं, जिसमें हमारा सौर परिवार है। और सौर परिवार के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो है हमारी आकाश गंगा में है। अब ले हमारी जो आकाश गंगा केवल सौर परिवार है नहीं है, और भी चीजें हैं, और भी चीजें मतलब जैसे क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह क्या है? जैसे कोई ग्रह से कोई चट्टान या पहाड़ टूट गया तो वो भी सूर्य का चक्कर लगाने लगता है। तो चट्टानों या मिट्टी के टुकड़े जो जो है सूर्य का चक्कर करते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। और बेटा जो जैसे हर ग्रह से जो धूल उड़ती है, जो धुआं उड़ता है, जैसे ट्रेन वेन देखा कितना तगड़ा भग 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 धुआं उड़ावत है, तो वो सारा धुआं या धूल ऊपर जाके इकट्ठा हो जाता है और एक गोले के रूप में बन जाता है, गुबार। धुआं माने हल्का और गुबार माने धुआं के बाप, जहां ढेर धुआं इकट्ठा हो, गुबार। क्या ना? तो धूल धुआं से मिलकर बना गुबार या गोला जो होता है वो अभी सूर्य से निश्चित दूरी बना करके सूर्य की परिक्रमा करता रहता है। और ऐसे पिंड जो धूल धुआं गुबार गैसों आदि से मिलकर बने हो, सूर्य की परिक्रमा करते हो, उन्हें हम उच्छल तारा या धूम केतु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आप लोग कभी कभार सुने होंगे कि आज वो उच्छल तारा टकराएगा उस ग्रह से, ये वो तबाह जिसकी पूछ ऐसे चमकती रहती है। तो देखा कभी कदार आसमान में दिखा कहते हैं मौजी ग्रह या कहते हैं यार चुप्पे चला जाता, इसे चमकता नहीं है। कभी कभी पिक्चर उच्चर कहते हैं वह तारा टूटा, तो वो सब उच्छल तारा या धूम केतु है, माने धूल धुआं गुबार आदि से मिलकर बना जो है पिंड है, जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, लेकिन वो गैसों का मंडल है, इसलिए सूर्य सतह से टकरा कर चमकते रहते हैं परावर्तन की घटना के कारण। तो इस तरह से अब ध्यान दो, फिर से ध्यान दो, हमारे सौर मंडल में तीन चीजें, पूछो कौन कौन? सूरज, ग्रह, उपग्रह, और समस्त तारों के बने सौर मंडल से मिलकर बना परिवार आकाश गंगा गैलेक्सी है। उसमें और कौन कौन पिंड होते हैं? सौर मंडल होगा, क्षुद्र ग्रह होंगे, उच्छल तारे होंगे, ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें, जैसे सप्त तारों का मंडल है, बहुत सारी चीजें। हम कितना डिटेल बताया ना जा रहा है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई बेटा। अब हम आपको बताना चाहेंगे ये सूर्य ग्रह उपग्रह की गति और जो है के संदर्भ में साइंटिस्टों ने अध्ययन करना शुरू किया कि चलो अध्ययन किया जाए और इनके बारे में कुछ जो है बताया जाए। तो आपको बताना चाहेंगे कि प्रथम शताब्दी के आसपास ध्यान दीजिएगा, काम की चीजें बता रहा हूं, मजेदार बात है। प्रथम शताब्दी के आसपास ध्यान से सुनिएगा, रोम और यूनान के जो दार्शनिक थे उन्होंने यह प्रतिपादित किया, यह बताया। कहां के दार्शनिक? यूनान के दार्शनिक अध्ययन किए और जो है अपना तर्क दिए कि पृथ्वी स्थिर होती है, सूर्य तथा अन्य सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। ध्यान से सुनो, पहली शताब्दी में देखो ग्रह उपग्रह जान गए आप क्या होता है, अब ग्रह उपग्रह के जो है संदर्भ में और आगे बातें चलने जा रही हैं, और आप अभी आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि आप भारतीय हैं, बता रहा हूं साबित कर दूंगा, अभी भारतीय हैं इस बात पर गर्व, प्राउड। देखिए प्रथम शताब्दी में रोम और यूनान के वैज्ञानिकों, सॉरी दार्शनिकों ने, क्योंकि उस समय वैज्ञानिक तो रहे नहीं होंगे, दार्शनिक
रोम और यूनान के दार्शनिकों ने यह प्रतिपादित किया अपनी गणनाओं के आधार पे कि पृथ्वी हमारी स्थिर होती है और सूर्य इसकी चारों ओर परिक्रमा करता रहता है। अन्य सभी ग्रह उपग्रह भी सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं। पृथ्वी स्थिर है क्योंकि हम इस पर विराजमान है, स्थिर है, डोंट डोलिंग, और सूर्य वगैरह इसके चारों नाचिंग गति करते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन बच्चों पांचवी शताब्दी के आसपास, कौन शताब्दी के आसपास, भारत में पैदा हुए एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट चाचा, और क्या इनको नॉलेज था, क्या बात थी इनके दिमाग में, ये पता ही नहीं किया जा सकता। जैसे लोगों ने बताया पहली शताब्दी में आसपास में कि पृथ्वी स्थिर होती है, सूर्य और सभी पिंड इसके चारों ओर चक्कर करते हैं, ये महोदय गणना की कैलकुलेशन अपने गणित के आधार पे, पता नहीं क्या दिमाग था, कौन सा कैलकुलेशन था। इस समय तो कोई भी दूर दूर तक स्रोत नहीं थे, अध्ययन करने वाले उपकरण नहीं थे। पांचवी शताब्दी माने सन 500 के आसपास, 470 ईस्वी में, 472 ईस्वी में, ऐसे पांचवी शताब्दी के आसपास भारत के गणितज्ञ आर्यभट्ट ने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन के आधार पे, गणना के आधार पे कहा ना पृथ्वी स्थिर हो ही नहीं सकती, पृथ्वी स्थिर हो ही नहीं सकती, ये एक नहीं दो दो प्रकार की गतियां करती होगी। इन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर जरूर घूमती होगी और इस वजह से दिन रात होते होंगे, और धुरी पर घूमती है, धुरी पर गति करती है, इसके साथ साथ सूर्य से कुछ दूरी बना करके सूर्य की परिक्रमा करती है जिससे जो है ऋतुएं बदलती है, ठंडी गर्मी बरसात आती है। कौन बताया? लेकिन जान ही रहे हो कि जिस समय इन्होंने कैलकुलेशन करके अपना गणित के आधार पर, इनका मतलब कोनो प्रैक्टिकल वाला उपकरण ना रहा, कैलकुलेशन करके बताया कि ये बात तो गलत है, पृथ्वी स्थिर हो ही नहीं सकती, पृथ्वी एक नहीं दो दो प्रकार की गतियों में होगी, ये अपनी धुरी के सापेक्ष भी गति करती होगी और सूर्य से कुछ दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती होगी। और बच्चों इनकी जो है बात को अन्य देश के लोगों ने नहीं माना, कह रहे बकवास है, पता लगे खोजो जो एक बात, 1000 वर्ष बाद, मतलब इनकी इस घटना के, इस खोज के 1000 वर्ष बाद 15वीं शताब्दी में, कौन शताब्दी में, अब 15वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं तो जान रहे हैं दुनिया बहुत डेवलप हो गई होगी और अब दार्शनिक नहीं वैज्ञानिक हो गए होंगे, तरह तरह के उपकरणों का ज्ञान हो गया होगा लोगों को। देखो बेटा मैं जो बता रहा हूँ आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे, कोई नहीं बताएगा, किसी भी स्कूल के टीचर्स, मैं जिस तरह बता रहा हूँ डीप में जा करके, अभी बड़ी मजा आएगी स्मित को। तो 15वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट थे कॉपरनिकस, सुने हो ना, तो 15वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट हुए कॉपरनिकस और इनके जो है सहयोगी वैज्ञानिक, इनके साथ कई सारे वैज्ञानिकों की टीम थी, तो सहयोगी वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके, बकायदा जो है प्रयोग करके ये पाया कि सूर्य स्थिर होता है, ये सत्यापित किया 15वीं शताब्दी के आसपास कॉपरनिकस और उनके सहयोगी वैज्ञानिकों की टीम ने कि सूर्य स्थिर होता है। सूर्य स्थिर होता है और पृथ्वी ही नहीं सभी के सभी ग्रह सूर्य से कुछ दूरी बनाकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं अलग अलग कक्षाओं में, और यह भी सत्यापित हुआ कि पृथ्वी जो है अपने धुरी के सापेक्ष भी गति करती है और सूर्य से कुछ दूरी बनाकर एक निश्चित कक्षा में सूर्य की भी परिक्रमा करती है। तो आर्यभट्ट के द्वारा बताई गई दो की दोनों बातें सत्य साबित हो गई, जो बातें ये लोग 15वीं शताब्दी में पाए हैं उनके 1000 वर्ष पहले ही आर्यभट्ट चाचा बता दिए थे। तो मतलब समझो कि भारतीय लोग कितने टैलेंटेड होते थे। तो अब आप समझिए जरा कॉपरनिकस और इनके सहयोगी वैज्ञानिकों की टीम ने यह सत्यापित किया कि सूर्य क्या होता है, स्थिर होता है, सूर्य गतिमान नहीं होता,
बल्कि सभी ग्रह और खुद पृथ्वी सूर्य से निश्चित दूरी बना करके सूर्य की अलग अलग कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये जो पहली शताब्दी में बात बताए थे ये तालमी बताए थे। कौन बताए थे? कौन बताया था बेटा? तालमी, यूनानी दार्शनिक तालमी ने बताया था। अब कापरनिकस और सहयोगी वैज्ञानिकों की टीम ने सत्यापित कर दिया कि सूर्य स्थिर होता है, पृथ्वी ही नहीं सारे के सारे ग्रह सूर्य से एक निश्चित दूरी बनाकर अलग अलग कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। ये बात सत्य साबित हो गई, पृथ्वी अपनी धुरी पर भी और साथ साथ एक निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती रहती है, जिससे दिन रात होते हैं, जो अपनी धुरी पर घूमती है और जो सूर्य के चारों ओर चलती है, इससे जो है गर्मी ज्यादा बरसात होता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब बच्चों एक साइंटिस्ट हुए हैं 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के आसपास, टाइको ब्राहे। कौन जब बता रहे थे बेटा तो बताए थे टाइको ब्राहे अपने सहयोगी वैज्ञानिक बहुत सारे थे। जब खगोल शास्त्र की जानकारी कोई होती है तो अकेले कोई नहीं करता, कई वैज्ञानिक लेकर चलते हैं। टाइको ब्राहे 17वीं शताब्दी के आसपास टाइको ब्राहे अपने सहयोगी वैज्ञानिकों के साथ समस्त प्रकार के ग्रहों और समस्त प्रकार के उपग्रहों की गति के संदर्भ में अध्ययन किया कि हर ग्रह और हर उपग्रह किस तरह की गति करते हैं, किस प्रकार के पथ पर गति करते हैं, कौन सी गति इनकी होती है, और तमाम इन्होंने प्रेक्षण प्राप्त किए, मतलब तमाम इनको निष्कर्ष भी मिला प्रेक्षण के दौरान। ध्यान सुनो हमारी बातों को, टाइको ब्राहे और उनकी सहयोगी टीम के सदस्यों ने ग्रहों और उपग्रहों की गति के संदर्भ में बहुत से निष्कर्ष, बहुत से कंक्लूजन प्राप्त किया, लेकिन अफसोस टाइको ब्राहे ग्रह टाइको ब्राहे ग्रह और उपग्रह के गति के संदर्भ में जो भी बातें प्राप्त किए थे, जो भी प्रेक्षण पाए थे, उसे टाइको ब्राहे सबके सामने नहीं रख पाए, मर गए। जैसे आप लोगों ने बायो में पढ़ा है ग्रेगर जान मेंडल, उन्होंने जो प्रयोग प्रेक्षण किया था उनके जिंदा होने पर वो चीज किसी ने नहीं माना था, और जब मर गए तो मरने के 17 वर्षों बाद वही बात उनकी नौकरानी झाड़ू वाड़ू लगा रही थी पाई और उसको अखबार में छपवाई तो वो फेमस हो गए। मरने के बाद आज उनको आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है, उस समय उनको कोई नहीं जानता था। तो वैसे ही टाइको ब्राहे और उनके सहयोगी वैज्ञानिकों की टीम ने ग्रह उपग्रह की गति के संदर्भ में बहुत सारे प्रेक्षण लिए, प्रयोग किए, बहुत सारे निष्कर्ष प्राप्त किए, लेकिन इन बातों को टाइको ब्राहे दुनिया के सामने नहीं रख पाए। इनके एक शिष्य और मतलब किन्हीं के जो है सदस्य टीम के एक मेंबर थे कैपलर। कैपलर ने टाइको ब्राहे और उनकी सहयोगी टीम द्वारा प्राप्त प्रेक्षणों और निष्कर्षों को सबके सामने रखा और उसे ही हम ग्रह उपग्रह की गति संबंधित नियम समझते हैं। और हम ये जानते हैं कि इसे कैपलर ने प्राप्त किया था, कैपलर ने बनाया था, कैपलर ने दिया था, और ये सब बेचारे गुमनामी के अंधकार में चले गए हैं। आज केवल कैपलर जाने जाते हैं। आपको टीचर पढ़ाता भी है तो डायरेक्ट पढ़ाता है कैपलर के ग्रह गति संबंधित नियम। तो ये टाइको ब्राहे उसकी खोज करता थे, लेकिन नाम किसका मिलता है? कैपलर का। जैसे श्रीधर आचार्य वाले में आप देखो कि सबसे पहले जो है, अगर आप गणित में पढ़े थे, उमर खय्याम वगैरह खोज किए थे, लेकिन वो जो है गुमनामी के अंधकार में है, श्रीधर आचार्य ही माने जाते हैं। तो थोड़ा सा उन्होंने संशोधन कर दिया थे श्रीधर आचार्य ने, उमर खय्याम का कोई नाम नहीं पड़ता, धीरे धीरे पीढ़ियां भूल जाएंगी। तो टाइको ब्राहे बेटा सबसे पहले व्यक्तित्व थे जिन्होंने ग्रह और उपग्रह की गति के संदर्भ में बहुत सारा शोध करके प्रेक्षण और प्रयोग के आधार पर बहुत सारे कंक्लूजन प्राप्त किए थे, लेकिन उन जो है प्रयोगों प्रेक्षणों और निष्कर्षों को प्रकाशित कौन कराए? कैपलर। और उन नियमों को जिन्होंने जो नियम जो है बने हुए थे उन्हें हम कैपलर के ग्रह गति संबंधित नियम कहते हैं। और हमारी किताब में सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग इस पार्ट की यही है, ग्रहों के गति संबंधित कैपलर के नियम। चाचा केपलर ने ये जो ग्रह सूर्य के चारों ओर
गति करते हैं उनकी गति के संदर्भ में तीन नियम दिए हैं, जिसे कपलर के ग्रहों के गति संबंधित नियम कहा जाता है। यहीं से सही सही चैप्टर इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा तीनों नियम पढ़ेंगे। पहला नियम इन्होंने बताया, ध्यान सुनना, कि प्रत्येक ग्रह कौन, प्रत्येक ग्रह सूर्य की परिक्रमा, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करते हैं। माने जो ग्रह है सूर्य से निश्चित दूरी बनाकर वृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा नहीं करते, बल्कि अंडाकार, अंडाकार दीर्घ वृत्त के आकार का। मैथ में आप पढ़ोगे बेटा, किसमें, जैसे आप पढ़ते हो कि किसी निश्चित बिंदु से बनाए हुए बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। तो यह वृत्त होता है जिसमें एक केंद्र होता है। वैसे ही एक आकृति पढ़ोगे, एलिप्स, दीर्घ वृत्त, रेवत में ही है पढ़ना, मैथ में पढ़ाया जाएगा कि अगर जो है कोई एक ऐसे अंडाकार आकृति हो, माने इस तरह से ये आधा वृत्त अलग दिख रहा है, आधा यहां से अलग दिख रहा है, इसमें दो दो केंद्र होते हैं जिसको नाभियां कहते हैं, और ये रेखा दीर्घाक्ष जैसे यहां व्यास, और ये रेखा लघुअक्ष जैसे यहां व्यास, अलग अलग नाप की है। ऐसे पथ को, ऐसी आकृति को दीर्घ वृत्त कहा जाता है जिसमें दो नाभि अश्वन्यक्षु, ये दीर्घाक्ष ये लघुअक्ष होता है। इसका क्षेत्रफल पाई ये भी होता है, ये यहां से यहां तक की लंबाई दुई है, यहां से यहां तक की लंबाई दुई, दीर्घाक्ष दुई है, लघुअक्ष दुई भी लंबाई का। तो यहां पहला नियम चाचा केपलर ने बताया कि प्रत्येक ग्रह का, बोले हम सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर करते हैं, और सूर्य उस दीर्घवृत्ति पथ की किसी एक नाभि वाले स्थान पर होता है। सूर्य यहां भी हो सकता है, और सूर्य मतलब इस बात को जो हमने बोला, उस बात को फोटो में बना दे, क्या चाहते हो, फोटो बना दे। देखो ये अहम ग्रह के चक्कर मारता है, परिक्रमा करता है, कौन रास्ता पकड़े आए, देखा दीर्घवृत्ताकार है। प्रत्येक ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर करते हैं, और ये दीर्घवृत्ताकार पथ कहे दीर्घाक्ष एक है, दुई नाभि हो सका था, तो एक नाभि कौनो एक नाभि पे चक्षु रहा थे, चक्षु बोले तो देख ताड़ो, प्रत्येक ग्रह ताड़ो, इसकी खासियत समझो, प्रत्येक कैलकुलेशन करके पता लगाए, प्रत्येक ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर करते हैं, और सूर्य इस दीर्घवृत्ति पथ की किसी के नाम यहां या यहां हो सकता है। इससे जानते हो क्या साबित हो रहा है, कि देखो जब यहां है ग्रह तो सूर्य से बहुत दूर है कि नहीं, तो सूर्य की गर्मी इस पर पड़ रही होगी, नहीं पड़ रही होगी, कब पड़ रही होगी, तो इस समय यहां पर ठंडी होगी, ठंडी का मौसम होगा, और जैसे ही ये ग्रह आते 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 यहां आ जाता होगा, तो सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता होगा, यहां पर जो है सूर्य का प्रकाश बहुत पड़ता होगा, इसलिए अब क्या हो गई गर्मी यहां तक रहेगी 3 महीने, फिर जब आगे बढ़ेगा फिर ठंडी शुरू हो जाएगी। तो ऋतुएं इसी वजह से बदलती है। अब ये बात नहीं बोलो कभी जिंदगी में, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है आप लोगों में से किसी स्कूल में जिसमें यह ना पूछा जाए, ग्रहों गत संबंधी कैपिटल के नियम बताओ, याद कर लो महीने से। तो एक नियम याद हो गया, प्रत्येक ग्रह, उसे ध्यान रहना चाहिए, प्रत्येक ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर करते हैं, और सूर्य उस दीर्घवृत्ति पथ की किसी एक नाभि पर स्थित होता है। इधर क्लियर,